हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित करौली जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, करौली जिला, यह जिला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक करौली जिला के नाम से जाना जाता है। करौली जिले का हेड क्वार्टर ऑफिस करौली शहर में मौजूद है और करौली जिला भरतपुर मंडल के अंतर्गत आता है। करौली जिला राजस्थान के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। करौली जिला के पड़ोसी जिले का नाम धौस जिला, सवाई माधोपुर जिला, धौलपुर जिला और भरतपुर जिला है। करौली जिला में 6 उपखंड, 9 तहसील, 10 डिग्री कॉलेज, 4 सरकारी अस्पताल, 1 लोकसभा, 4 विधानसभा, 223 ग्राम पंचायतें और 881 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो करौली जिले का कुल क्षेत्रफल 5,043 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार करौली जिला की कुल आबादी 14,58,000 है। इस 14,58,000 में पुरुषों की कुल आबादी 7,83,000 और महिला की कुल आबादी 6,74,000 है। करौली जिले का औसत लिंगानुपात 861 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 861 महिला हैं। करौली जिला के मुख्य नदी का नाम चंबल नदी व गंभीर नदी है। गंभीर नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 180 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। करौली जिला के मुख्य भाषा हिंदी व राजस्थानी है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 66% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 66% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। करौली जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: एकलव्य कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय करौली, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नवीन आईटीआई कॉलेज, महावीर आईटीआई कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित होने में अपना योगदान देते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो करौली जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिला में कई ऐसे ऐतिहासिक किला हैं, जिससे कि लोगों को अपना मन अपनी ओर खींचते हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: टीमागढ़ किला, मंडारा राल्स किला, देवगिरी किला, महावीर जी मंदिर, अटेवा तालाब, कैलाश जंगल, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं, जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव करते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान के और भी बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 23 गुजरती है, जो आगे चलकर बहुत ही बड़े बड़े शहरों से जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला के साथ साथ जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस ज़िले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम करौली रेलवे स्टेशन, फतेह श्रीपुरा रेलवे स्टेशन, हिंदौली सिटी रेलवे स्टेशन, श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, करौली ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं।